दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी मूवी क्लिप में से उसके एक्टर या एक्ट्रेस के फेस को रिमूव करना चाहते हैं, उसकी जगह अपना फेस ऐड करना चाहते हैं या अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर का फेस ऐड करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी मूवी क्लिप में अपना फेस किस तरह से ऐड किया जाता है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों किसी मूवी क्लिप में एक्टर की जगह पर अगर आप अपने फेस को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी उस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल किया हुआ है, तो चलिए डायरेक्ट उस एप्लीकेशन को मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे फर्स्ट बार इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे इनके प्रोफाइल की कुछ डिटेल आपको देखने को मिल रही है। हमें इसको बिल्कुल फ्री में यूज करना है, तो फ्री में यूज करने के लिए ऊपर की साइड आपको जो क्रॉस का बटन मिलता है आपको इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहां से आपको फिर से इसको क्रॉस कर देना है। अब इसके बाद में यहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको काफी तरह के मूवी क्लिप देखने को मिल रहे होंगे। अब इनमें से किसी भी मूवी क्लिप में अगर आप अपना फेस ऐड करना चाहते हैं, अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर का फेस ऐड करना चाहते हैं तो उसको इजीली कर सकते हैं। तो चलिए इनमें से किसी एक क्लिप में मैं फेस चेंज करके आपको दिखा देता हूं। तो जैसे कि चलिए यहां पर आपको ये मूवी क्लिप देखने को मिल रही है, तो आपको करना क्या है कि हर एक मूवी क्लिप के बगल में यहां पर आपको एक प्रोफाइल जैसा आइकन देखने को मिल रहा होगा। तो यहां पर मैंने एक फोटो को पहले से ऐड किया हुआ, इसलिए फोटो आपको देखने को मिल रहा है छोटा सा, लेकिन जब आप फर्स्ट बार इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहां पर आपको प्लस का आइकन देखने को मिलेगा। सभी क्लिप के बगल में आपको एक प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, जैसे कि यहां पे फोटो देखने को मिल रहा है, आपको इस प्लस के आइकन पर टैप करना है। इसको टैप करने के बाद जैसे कि मैंने यहां पर एक फोटो को ऐड किया हुआ, इसी तरह से आपको भी फोटो ऐड कर लेना है। तो फोटो ऐड करने के लिए आप कैमरे से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर यहां से अपनी गैलरी को ओपन कर सकते हैं। गैलरी को ओपन करने के बाद यहां से अपनी गैलरी से आपको उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना जिसे कि आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए जैसे कि मैं किसी एक फोटो को यहां से सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। तो चलिए जैसे कि मैंने इस फोटो को यहाँ सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ओनली फेस को क्रॉप कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म पे टैप कर देना। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी क्लिप है इन सब में आपको यहाँ पे कोने पे आपको फोटो देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद में आपको उस क्लिप को ओपन कर लेना है जिसमें आप इस फेस को ऐड करना चाहते हैं, एक्टर या एक्ट्रेस के फेस को रिमूव करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इस वाली क्लिप को ओपन कर लेता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने क्लिप को ओपन किया एक दो सेकंड की प्रोसेसिंग चली और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस का रियल फेस यहाँ से रिमूव हो चुका है और जो फोटो हमने यहाँ पे ऐड किया था वो फोटो हमें शो हो रहा है। तो इसी तरह से अगर आप भी किसी मूवी की क्लिप से एक्ट्रेस या एक्टर के फोटो की जगह पर उसके फेस की जगह पर अपना फेस ऐड करना चाहते हैं या अपने किसी फ्रेंड का फेस ऐड करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।